दोस्तों आज जो है बाबा का यहाँ पे लास्ट दिन है, लेकिन यहाँ पे मैं जितने दिन भी आया हूँ और यहाँ पे जब ऑटो से आते हैं तो अलग अलग रूट से हमें ले जाया जाता है। यहाँ पे आने का जो है साधन जो है काफ़ी जगह से, लेकिन हर जगह चारों तरफ गांव है इसलिए घिरा हुआ, ये बीच में है तो रोड जो है चारों तरफ इसके बने हुए हैं, तो यहाँ पे आने का साधन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी रोड पे इतना ज़्यादा जाम कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे लास्ट दिन है इसलिए जो है और भी ज़्यादा हो सकता है, भीड़ हो सकता है। अभी जो है बाबा को आने में टाइम है इसलिए अभी ये लास्ट के साइड हो, तो अभी यहाँ पे आपको भीड़ कम दिख रहा है और यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को लास्ट दिन का दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि आज ही लास्ट है, इसके बाद तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों लास्ट दिन आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नारियल है, 17 तारीख आज ही लास्ट है और देखो यहाँ पे नारियल जो है आपको 2 लाख के आसपास दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो ये साइड एक बड़ा ढेरी, आगे भी साइड एक बड़ा ढेरी और जितने भी बांस थे उसके बगल बगल में काफ़ी बड़ा ढेरी, आगे के साइड थोड़ा ज़्यादा है, उस साइड पीछे के साइड थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा भरा हुआ है, सिर्फ नारियल है नारियल, लाल कपड़े में मस्त लग रहा है दिखने में। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कचड़ा इतना जगह हो गया है, हर जगह प्लास्टिक, हर जगह चप्पल किसी का खुल गया छूट गया, आपको इस चीज़ों को साफ करने में लोगों को जो है महीना दिन लग जाएगा क्योंकि भाई इतना कचड़ा ज़्यादा दोस्तों तो कितना नीचे ये बिखरा हुआ। ये एक जगह नहीं है, हर जगह यहाँ पे तो कुछ आप लोगों को कम ही दिख रहा है, स्टैंड के साइड जो पूरा भरा हुआ है और देखो इस साइड का व्यू जो है काफ़ी मस्त है। यहाँ पे सभी लोग जो है नारियल चढ़ा रहे हैं, 2 लाख से प्लस यहाँ पे नारियल ही हो गए जगह जगह, तो लाल कपड़े में भाई क्या मस्त लगता है, दिखता है नारियल गोल गोल बांधा हुआ, ये मस्त लगता है सीन। यहाँ का देखो कितना नारियल है, पूरा नारियल भर गया है यहाँ पे, देखो देखो एक ट्रक लगता हो जाएगा यहाँ पे नारियल। और हमारे बजरंगबली जी, यहाँ का सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आप एक दिन आओगे ना काफी दूर से तो फिर आप 2 दिन सोओगे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा कथा को सुनने के लिए। अगर दूर में रहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टेज के पास आप आना चाहोगे तो आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर जगह आपको लड़ाई झगड़े करना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे कथा सुन पाओ, क्योंकि जो है अभी थोड़ा सा लास्ट दिन है इसलिए जो सब लोग थक चुके हैं इसलिए भीड़ थोड़ा सा कुछ कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पहले का स्थिति बहुत ख़राब था। आप देखो यहाँ पे तो कितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कैसे लोग धूप में स्ट्रगल करते, इतना ज़्यादा धूप है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और देखो स्टेज की इधर बाहर साइड से देखो कैसे घुसने के लिए लोग प्रयास करते, देखने का प्रयास करते, क्योंकि अभी बाबा को आने में काफ़ी लेट है, तब जाके ये स्थिति। यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, कैसे लोग यहाँ पे खड़ा है, बहुत स्ट्रगल लोग करके यहाँ पे देखने के लिए आए, देखो क्या स्थिति बन रखा है, पूरा एकदम हालत ही ख़राब है सभी लोगों का। जितने लोग बाबा को देखने के लिए यहाँ पे लोग हर दिन आ रहे हैं उतना शायद नेता मंत्री भी कोई एक दिन भी आता है तो उनको देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक दिन आ जाएगा उसका तो पूरा बॉडी ही हालत ख़राब हो जाएगा, पीछे रहेगा थोड़ा कम होगा लेकिन अगर आगे जाने का प्रयास करेगा तो कितना धक्का मुक्की खाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके यहाँ पे लोग जो है हर दिन आ ही जाते हैं। जैसे बाहर का एरिया में जो है कितना बाइक कितना सारा चीज़ लगा हुआ और अंदर में तो पूरा भरा ही हुआ रहता है, आज जो है लास्ट है इसलिए थोड़ा सा कुछ कम भीड़ देखने के लिए हमें मिल रहा है क्योंकि लोग जो है सभी लोग थक गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोगों को करना पड़ता है। और आज के बाद जो है बाबा चले जाएंगे फिर यहाँ पे काफ़ी सुनसान लगेगा, मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। टेंट के अंदर देखो कितना कचड़ा है, 17 तारीख है लास्ट दिन है और अभी बाबा को आने में काफ़ी टाइम, इसलिए हमें भीड़ भी काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कितना कचरा है, इसको साफ़ करने में टेंट वाले को कितना प्रॉब्लम होगा और लगता है कि नुकसान टेंट वाले को कितना हुआ होगा इसका, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लाखों रुपए के आसपास चीज़ें नुकसान भी होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ जो है टूट टूट गया। और एक पंखा देखो कैसे हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर नीचे गिरेगा तो सर पे किसी का गिर जाएगा, देखो वहाँ पे भी आदमी बैठे हुए शायद उनको पता नहीं, देखो ऊपर में पंखा कैसे हो रहा है, ये पंखा गिर भी सकता है, इसलिए इनको बोलते थे नीचे जो बैठे हैं इनको बोलते हैं यहाँ से हट जाने के लिए, क्या स्थिति हो रहा देखो। तो मठ के पास भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हमें भीड़ देखने के लिए मिल रहा है और जल्दी बाबा भी आने वाले हैं तो देखते हैं कहाँ पे आते हैं, क्योंकि पहले तो मठ ही आते हैं इसके बाद जाते हैं कथा के लिए,
लेकिन शायद तक डायरेक्टर साहब पर चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखते हैं, बाबा यहीं पर आने वाले हैं थोड़ी देर में, इसलिए हम वेट करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये मठ है, मठ के साइड देखो तो जैसा व्यू है, और आगे के साइड अष्टयाम होता है उसमें। दोस्तों आप लोगों को जो आगे भीड़ दिख रहा है, इसी में जो है बाबा आएंगे, इसलिए जो सब बाबा को देखने के लिए धूप में जो है सभी लोग खड़ा है। इतना ज़्यादा धूप है कि कुछ कह ही नहीं सकता मैं यार। और बाबा को देखने के लिए पिछले एक घंटे से यहाँ पे लाइन में सभी लोग लगे हुए, और बाबा कब आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन जो है लाइन में सभी लोग लगे हुए। सोचो कितना स्ट्रगल कर रहा है इतना धूप में, और हालत ही ख़राब हो जा रहा है। मैं भी खड़ा हूँ लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है।